के तहत जिले में 7000 बच्चों का नाम सूची में आया, लेकिन अभी तक 2700 बच्चों को ही दाखिला दिलाया जा चुका है। इसे लेकर जिलाधिकारी विशाख जी ने नाराजगी जताई और लापरवाही पर सभी ABSA सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को चमकर डांटा। उन्होंने निर्देश दिए कि RTE में शामिल एक एक बच्चे को दाखिला दिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने ACM, अपर नगर मजिस्ट्रेट और खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर दाखिला कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को DM की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें DM ने RTE के तहत हुए दाखिलों के संबंध में पूछा तो बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि 3 चरण में 7000 बच्चों के दाखिलों के नोटिस प्राइवेट स्कूलों में भेजे गए हैं। इसमें भी अभी तक 2700 का ही दाखिला किया गया है। इस पर DM ने सभी ABSA को फटकार लगाई और हर हाल में बच्चों के दाखिले कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने सभी 7 ACM के निर्देशन मिट्टी में बनाई हैं। तय हुआ है कि दाखिला लेने से मना करने वाले प्राइवेट स्कूलों को पहले खंड शिक्षा अधिकारी समझाएंगे, यदि स्कूल नहीं मानते हैं तो ACM जाकर दाखिला कराएंगे, यदि स्कूल फिर भी नहीं माने तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। बच्चों का दाखिला न लेने वाले स्कूलों की साप्ताहिक समीक्षा की जिम्मेदारी ADM भू अध्यापति सत्येंद्र कुमार को दी गई है। पूर्व में दाखिला लेने वाले बच्चों की भी बनेगी सूची, जिसमें DM ने निर्देश दिए हैं। जिन बच्चों ने बीते वर्षों में RTE के तहत दाखिला लिया है, उनकी सूची तैयार की जाए। दरअसल यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कई शिकायत मिली थी कि उन्होंने दबाव में दाखिला तो दे दिया, लेकिन बाद में बच्चों को निकाल दिया। DM ने सूची तैयार करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को 1 सप्ताह का समय दिया है। DM ने बैठक में साफ किया है कि जिन बच्चों ने RTE में दाखिला ले लिया है, वह स्कूल आगे की कक्षा में भी पढ़े जाएंगे या सुनिश्चित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।